यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी तेज हो चुकी है। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश की स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा लेंगी। अभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जारी है। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों के लोकल कलाकारों को मंच मिलेगा। कई तरीके के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो दूसरी साल आयोजन किया जाना है, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार क्या खास रहेगा? देखिए, इस बार पिछली बार से भी भव्य कार्यक्रम हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। 25 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो इसमें जो एग्जीबिटर्स हैं, बायर्स हैं, उनकी भी संख्या पिछली बार से ज्यादा रहेगी। जो पार्टिसिपेशन है वो पिछली बार जितना हुआ था उससे हम लोग डबल का इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं। नंबर ऑफ स्टॉल्स भी इस बार बढ़े हैं और हमारे जो और भी अट्रैक्शंस हैं, जैसे इस बार लेजर शो कराने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और जो खान पान की व्यवस्था होगी उसको भी इस बार और ज्यादा डाइवर्सिटी रहे, पार्टिसिपेशन हर यूपी के हर जनपद का रहे, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। तो उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बाकी सारी चीजें अपनी पाइपलाइन में हो एज पर शेड्यूल है। सुरक्षा की और बाकी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने कर ली है, क्योंकि बायर्स की जो संख्या है वो अभी भी बढ़ रही है। अभी लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोगों का इसमें एनरोलमेंट हो चुका है और उनका कंफर्मेशन आ चुका है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कम से कम, अभी एग्जैक्ट संख्या तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यूरोप के ज्यादातर और साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के जो बायर्स हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ओडीओपी का स्टॉल, हर जनपद का अपना जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उन सबको यहाँ पे जगह दी गई है ताकि प्रत्येक जनपद के हर प्रोडक्ट को लोग जाने और उसके बारे में हमें एक पब्लिसिटी मिल सके। दूसरा, कल्चरल प्रोग्राम्स जो कराए जाएंगे उसमें भी प्रदेश के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो अवध क्षेत्र हो, ब्रज हो या बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो। इसी तरह से जब व्यंजन की बात हम करते हैं तो हर जिले की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को वो करेंगे। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाना है। 3 लाख के आसपास लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमशंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, गेटन ऑर्डर।